पशुपालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे मजबूती देने के लिए 21वीं अखिल भारतीय पशुधन गणना सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में पशुपालन विभाग इस गणना को संपन्न करेगा। पशुगणना का मुख्य उद्देश्य देश में पशुधन आबादी का सटीक आकलन करना है, जो सरकार को इस क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाओं और नीतियों को तैयार करने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया के तहत गोवंश, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़े, मुर्गे, मुर्गियां और अन्य 16 प्रजातियों की संख्या, नस्ल, आयु और लिंग संरचना की जानकारी एकत्र की जाएगी। यह गणना ग्रामीण इलाकों में कृषि और भूमिहीन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुपालन उनके लिए आय का प्रमुख स्रोत है। 2019 में हुई 20वीं पशुधन गणना के बाद यह महत्वपूर्ण गणना होगी, जो पशुधन क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खोलेगी। सरकार द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग विभिन्न विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा, जिससे पशुधन उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा को सशक्त किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राजस्थान में पशु गणना अभी 2024 में शुरू कर रहे हैं और 2019 में पशु गणना हुई थी। उसके बाद में हर पाँच साल में पशु गणना होती है। अभी 19 के बाद में 2024 में ये पशु गणना की प्रक्रिया अभी शुरू की है और ये 3 महीने तक चलेगी और 3 महीने तक राजस्थान में जितने पशु है वहाँ हमारे LSA जाकर के डोर टू डोर जाकर के वहाँ उनकी पशु गणना करेंगे। इसमें सभी तरह के पशु, चाहे ऊँट है, घोड़े है, गाय है, भैंस है, बकरी है, सुअर है, सारे जितने भी तरह के पशु है उनकी सबकी गणना होगी। नर और मादा अलग अलग तरह के पशु है उनकी भी संख्या उसमें होगी। अभी वर्तमान में हमारे पूरे राजस्थान में 7 करोड़ और 14 लाख के आसपास पशु है, सभी तरह के पशुओं को मिला करके। तब आने वाले समय में ये संख्या हमारे सामने आंकड़े आएंगे तो उसके हिसाब से पशुओं के विकास के संबंध में, उनके भरण पोषण के संबंध में सरकार की जो योजना बनती है तो निश्चित रूप से इसमें हमें गाइडलाइन मिलती है। अभी ये जो 21वीं अखिल भारतीय पशुधन गणना 2024 की निर्देश पुस्तिका का प्रकाशन हुआ है, इसमें जो विभागीय जानकारी होती है और ये गाइडलाइन ये होती है कि पशु गणना किस तरह से करेंगे, नीचे वाले LSA को इसमें निर्देशित है और ये इंग्लिश की बजाय हिंदी में छापी गई है, जिसे सही तरीके से हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो मैं विभाग को, सभी अधिकारियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में इस पुस्तिका छाप करके उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस पुस्तिका के माध्यम से पशु गणना करने वाले जो कर्मचारी है उनको मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित रूप से वह अच्छी तरह से पशु गणना कर पाएंगे। भारत सरकार की ऐप बनी हुई है, ऐप वही रहेगी, ऐप में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो ये निर्देशिका है उसमें ये उनको गाइड करने के नियम है और किस तरह से पशु गणना करनी है वो हिंदी में स्पष्ट रूप से उनका लिखा हुआ है। तो इस नियमों के तहत हमारे कर्मचारी वहाँ नीचे जा करके पशु गणना करेंगे।